देखते डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर क्या होता है तो <coughs> so, सबसे पहला डिसएडवांटेज तो so, सबसे पहला डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर्स रिक्वायर अटेंशन वाइल आयरनिंग सिंस दे टेंड टू मेल्ट अवे इजीली मतलब देखिए हम लोग क्या करते हैं आयरन किसी भी फैब्रिक्स को या शर्ट को हम लोग क्या करते हैं आयरन करते हैं आयरन क्यों करते हैं उसको प्लेन करने के लिए उसको चिकना करने के लिए ठीक है तो जो आयरन हम करते हैं तो हमें सिंथेटिक फ़ाइबर पर अगर हम आयरन करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़ा दें हम किसका आयरन का ठीक है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर ये नहीं मतलब इसको क्या अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा ज़्यादा हीट मिलेगा इससे तो यह क्या हो ये मेल्ट हो जाएगा तो यही तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंथेटिक फ़ाइबर को जब हम आयरन करें तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसे आयरन करते वक्त टेम्परेचर बहुत कम रखें और जो जितना टेम्परेचर इसे चाहिए उतना टेम्परेचर हम इसे मतलब उस आयरन को जितना टेम्परेचर रखेंगे तभी आयरन करें नहीं तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया और इसको आर, हमने आयरन करते तो आप देख पाती इस इमेज में देख पा रहे हैं आप हैं ये किस तरह से मेल्ट हुआ, हुआ है? तो आपको क्या हो सन्ते फाइबर आपका मेल्ट हो जाएगा ज़्यादा हीट मिलने पर ठीक है आपको नेक्स्ट हमारा होता है मोस्ट ऑफ दीज फाइबर्स एब्जॉर्व वेरी लिटिल वाटर सो दे स्टिक ऑन द टू द बॉडी वाइल स्वेटिंग ऑन हर हॉट समर डेज दिस मेकिंग मेकिंग इट अनकंफर्टेबल टू वियर ड्यूरिंग सच डेज अब क्या बोला जा रहा है कि आप जो सिंथेटिक फाइबर हमारा हम जानते हैं कि वो बहुत कम वाटर को एब्जॉर्व करता है और अगर हमने इसका इस मतलब इस सिंथेटिक फ़ाइबर के बने हुए कपड़े हमने हमने अगर पहन लिया समर सीजन में तो क्या होगा हमारा कि जो हम में स्वेटिंग होगा हमें तो उससे क्या होगा वो जो हमारा जो कपड़ा है हमारा जो सिंथेथिक फाइबर का जो फैब्रिक हमने हमने पहना है वो एब्जॉर्व नहीं करेगा उससे क्या होगा आपको अनक अनकम्फर्टेबल फील होगा और वो कपड़ा आपका क्या होगा बॉडी में आपके स्टिक हो जाएगा ऐसा जा क्या होता हम है हम लोग जानते हैं देखिए ये सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा फाइन होता है उसके अंदर स्मॉल पोर्स जो पोर्स जो होते हैं छेद जो होते हैं सिंथेथिक फाइबर वो बहुत ही कम होते हैं कम होने की वजह से क्या होता है जो हमारे बॉडी से स्वेट निकलता है वो क्या होता है सिंथेटिक फाइबर उसे क्या करता है उसे बाहर नहीं निकालता है वो क्या हो? उसको मतलब हम जो फैब्रिक पहने में उसके अंदर ही रहने देता है जब हमारा स्वेट हमारे बॉडी के अंदर ही रहे मतलब हमारे बॉडी और फैब्रिक्स के बीच में वहीं पर रहेगा तो क्या होगा हमारे बॉडी में क्या होगा पूरा मतलब स्वेट पूरा भर मतलब ये हो जाएगा भर जाएगा और उससे क्या हमारा जो कपड़ा है वो हमारे बॉडी में स्टिक कर जाएगा चिपक जाएगा इससे हमें क्या अनकम्फर्टेबल फील होगा और और अवैध अगर हम पहनते हैं नेचुरल फ़ाइबर का अगर पहनते हैं हम कपड़े तो क्या होगा वहाँ पे जो ने, नेचुरल फ़ाइबर के पास क्या होता है उसमें जो जो फाइब्रिक्स में क्या होता है उसमें पोर्स जाता होता है पोर्स मतलब क्या अच्छे तो बताया टाइनी जो टाइनी होल जो होते हैं उसे हम पोरस बोलते हैं तो उसमें पोरस क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा लार्ज पोस होता है जिससे क्या होता है नेचुरल फ़ाइबर हमारा लार्ज पोरस होता है जिससे क्या होता है जो हमारा स्वेटिंग होता है तो वो क्या स्वेट हमारा बॉडी से बाहर निकल जाता है हमें क्या करता है वो वो स्वेट बॉडी से बाहर निकल क्या होता है एयर कॉन्टेक्ट में एयर कॉन्ट्रेट वो कपोरेट हो जाता है और तो सिंथेट होता है स्मॉल छोटा थोड़ा छेद होता है उसके फैब्रिक्स में तो क्या होता है वो हमें हम, हमारे स्वेट को बाहर नहीं निकल पाता है और स्वेट हमारा हमारा अंदर ही रह जाता है कपड़े के और उससे क्या होता है हमारे बॉडी में वो कपड़ा स्टिक हो जाता है इससे क्या अनकंफर्टेबल होता है हमारे कपड़े को पहनने में नेक्स्ट हमारा होता है तीसरा फाइबर हमारा सिंथेटिक फाइबर प्रोन टू कैच इस फायर ईजली अब सिंथेटिक फाइबर क्या है वो फायर को ईजली क्या करता है कैच कर लेता है क्यों क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बना होता है ठीक है पेट्रोकेमिकल से बना होता है और हम जानते हैं पेट्रोल क्या करता है तुरंत तो आग पकड़ लेता है ठीक है फायर तुरंत तो उसमें ईजली कैच हो जाता है ठीक है तो जो जो हम कपड़ा फैब्रिक पहनते हैं हमें ये सिंथेटिक फाइबर का और अगर अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसको पहन करके हम किचन में यूज़ कर रहे हैं है, अगर हम किचन में किचन में काम कर रहे हैं या लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो हमारे हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कि कहीं गलती से भी अगर आग पकड़ लिया कपड़े में तो क्या होगा वो आपके बॉडी में चिपक जाएगा पूरा वो क्या होगा वो पूरा बर्न हो जाएगा पूरा मेल्ट हो जाएगा पूरा आपके और बॉडी में पूरा आपके चिपक जाएगा आपका फैब्रिक सिंथेटिक फाइबर का ठीक है तो इसलिए अगर आपको यूज़ करना है मतलब आपको अगर आपको वो फैब्रिक यूज़ करना किचन में या लेबोरेटरी में यूज़ करना आपको है पहन करके जाना आपको है तो आपको चाहिए कि आप नेचुरल फ़ाइबर का यूज़ करें कॉटन का यूज़ करें ठीक है क्योंकि कॉटन और नेचुरल फ़ाइबर जो होता है वो बर्न होने पर मेल्ट नहीं होता है और वो जल्दी इजली फायर इजली मतलब फायर वो कैचेज नहीं करता है और जब वो बर्न होगा तो वो मेल्ट नहीं होगा एंड वो ए, स्टिक नहीं होगा हमारे बॉडी पे इसलिए हम क्या करें तो हम अगर हम लोग ये मतलब लेबोरेटरी में या किचन में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या करें कि नेचुरल फाइबर का फैब्रिक्स का क्या पहने कपड़ा पहने ना कि सिंथेटिक फाइबर का ठीक है नेक्स्ट हमारा होता है आर नॉन बायोडिग्रेडेबल ये हम पढ़ेंगे हमारा प्लास्टिक में पढ़ेंगे ठीक है लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब, ये, ये है मतलब ये हुआ कि ये ऐसा मतलब मटेरियल है ऐसा मतलब फाइबर है ये कि अगर हम इसे मतलब कोई भी नेचुरल नेचुरल तरीके से ये आपको डिकम्पोज नहीं होगा जैसे कि प्लास्टिक हमारा होता है वो क्या मतलब ये आप मतलब अगर उसको यूज़ करेंगे और यूज़ कर फेंक देंगे उसके अगर तो सौ साल तक तो देखेंगे तो वैसे ही वैसे रहे ही रहेगा प्लास्टिक हमारा वो डिकम्पोज नहीं होगा ठीक है सोयल में वो मिल करके कोई भी बैक्टीरियल एक्टिविटी से वो डिकम्पोज नहीं होगा तो वैसे ही हमारा सिंथेटिक फाइबर है कि वो क्या होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है मतलब इसका एक डिसएडवांटेज है मतलब अगर वो कपड़ा अगर यूज़ कर रहे हैं और सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े को अगर हम अगर हम फेंक देते हैं या अगर कहीं भी छोड़ देते हैं मतलब मतलब फेंक देते मान लीजिए तो क्या वो वो अगर हम तो में फेंक देते डिसएडवांटेज तो वैसी वैसी दे है ये कि ये जो हमारा फाइबर जो हमारा नेचुरल बायोडिग्रेडेबल है, बायो बायो है। वहीं अगर हम देखें नेचुरल फाइबर का हमारा तो नेचुरल फाइबर हमारा क्या होता है वो अगर मट्टी में छोड़ देंगे उसको उसको हम फेंक देंगे उसको तो क्या वो कुछ दिन बाद हो जाएगा बैक्टीरियल एक्टिविटी से ठीक है तो एक एक एडवांटेज टाइप का आप देख सकते हैं सिंथेटिक फ़ाइबर में आपके सिंथेटिक फाइबर जो हम यूज़ करते हैं उसमें हमारा कोई भी उड का मतलब कोई भी नेचुरल मटेरियल जैसे ट्री हमारा उसका यूज़ नहीं होता है ये सब पेट्रोलियम से बनता है जिससे हमारा ट्री सेव हो रहा है ठीक है एक एडवांटेज हमारा है कि ट्री हम इसे सेव कर रहे हैं ठीक है लेकिन आप कहिएगा हमारा सिंथेटिक फाइबर रेयन जो है वो तो वुड से बन रहा है हाँ तो लेकिन वुड से बन रहा है वो है तो वो क्या होगा वो हमारा क्या कर रहा है उसमें हमको पेड़ काटना पड़ रहा है रेयन बनाने के लिए क्योंकि वुड पल्प से वो निकलता है उससे क्या होता है वो विस्कस लिक्विड निकलता है उससे हम क्या बनाते हैं रेयन बनाते हैं इसलिए हम कह सकते हैं रेऑन जो हमारा सेवन सिंथेटिक फाइबर है लेकिन हम लोग क्या कहते हैं और भी हमारा तीन सेंथिक फाइबर जो हमारा पॉलिस्टर हो गया एक्रिलिक हो गया एंड नायलॉन हो गया ये तीनों हमारा फुल्ली सिंथेटिक फाइबर जो कि हमारा ट्री वगैरह से नहीं बनता है ठीक है तो हम को इससे सेव कर सकते हैं सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करके लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा सिंथेटिक फाइबर हम कहाँ पर यूज़ करें कहाँ पर यूज नहीं करें तो ये था हमारा आज का वीडियो हमारे यहीं तक के लिए हमने देखा डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर में कि के मतलब डिसएडवाटेज सिंथे फाइवर में हमने ये देखा कि सिंथेटिक फाइबर पहनने से क्या होगा वो वो तुरंत मेल्ट कर जाता है अगर हम किचन में या या लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं तो हम सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा नहीं पहने सिंथेटिक फाइबर क्या होता है वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है उसमें स्मॉल पोरस जो होता है बहुत कम होता है बहुत कम छेद होता है जिससे क्या होता है हमारे जो स्वेटर है वो बाहर नहीं निकल पाता है बाहर नहीं निकलने की वजह से वो हमारा अंदर ही रह जाता है इससे क्या होता है हमारे हमको पहनने में क्या अगर हम समर सीजन में पहन लेंगे सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ क्लोथ तो हमें अनकंफर्टेबल होगा वो हमारे बॉडी में स्टिक कर जाएगा इसलिए क्या अगर आपको सिंथेटिक समर के लिए आपको आपको बनाना है कपड़ा शर्ट बनाना है तो आप चाहिए कि आपको कि वो नेचुरल फाइबर का बनाए कॉटन का बनाए ठीक है तो ये था हमारा कुछ है सिंथेटिक फाइबर डिसएडवांटेज अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में सिंथेटिक फाइबर हमारा आज टोटली यहाँ फिनिश हो गया सारा का सारा, सारा सब कुछ खत्म हो गया सिंथेटिक सिंथेटिक फाइबर फाइबर के बारे में अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा शुरू होगा प्लास्टिक अब ये अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट for the next video and thanks for watching goodbye